अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका टीचर मोहम्मद काशिफ अली। मैं आपको ऑनलाइन अकेडमी CELC में खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारी पहली क्लास है, तो आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा और उसे रजिस्टर करने का तरीका बताऊंगा। तो मैं इसका लिंक जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में आपको ग्रुप में भी लिंक इसका सेंड करूँगा, आप उधर से डाउनलोड कर लें। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह की फ़ाइल आपके पास शो होगी, ISO.ISO एक्सटेंशन की फ़ाइल होगी। आपने इस पर डबल क्लिक करना है, ये सेटअप पर डबल क्लिक करना है तो हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यस किया तो हमारा सेटअप स्टार्ट हो गया। देखो थोड़ी देर लेगा सेटअप स्टार्ट होने में, तो फिर क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है इसलिए मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आपने क्या करना है, ये एक कोड है, ये कोड मैं आपको सेंड करूँगा, वेयर फाइल में कोड सेंड करूँगा। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, तो करना है एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे तो ये हमारे पास एक नोट पैड की फाइल ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है और इधर हमें बना देना है word.cmd एक्सटेंशन की फाइल बना कर हमने सेव किया। ये देखिए मेरे पास एक फाइल बन गई है .cmd। इस पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस कर देना है, तो ये हमारे पास एक इसका एक्टिवेटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप वेट करना है तो ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो मेरे पास चूँकि पहले से एक्टिवेट वर्जन है इसलिए मैं फिर सिर्फ आपके लिए, आपको समझाने के लिए दोबारा एक्टिवेट कर रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो 2010 वर्जन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ये ज़रा लेटेस्ट वर्जन है, इसमें ज़रा फीचर्स ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यही यूज़ करें और इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। तो अगर किसी को ये चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स कर दे, मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूँगा, आप उधर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर ये आप यूज़ कर सकेंगे। ये देखें कि मेरे पास ये रजिस्टर्ड हो गया है। पूछ रहा है कि डू यू वांट टू विजिट माय ब्लॉग, हम करेंगे एंड टाइप करेंगे तो हम रजिस्टर विजिट नहीं करना चाहते इसलिए हमने ऑफ कर दिया। तो ये इसको हम ओपन करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, ये देखेंगे इधर तो ट्रायल वर्जन शो नहीं होगा। अगर आपका रजिस्टर्ड हो गया है MS वर्ड तो फिर आपको इधर से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इधर आपको नज़र आएगा कि ये। तो जो आज की क्लास, तो आज का लेक्चर इतना ही था, तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।